कहाँ हुई आपकी पढ़ाई लिखाई आ, मेरी पढ़ाई लिखाई देश भर में हुई मैं अलग अलग जगहों में मिजोरम से शुरू हुई फिर सिक्किम में हुई फिर मैं कुछ साल अपने पाकिस्तान में हुई फिर वापस उसके बाद ये बताइए हम लोगों की बड़ी दिलचस्पी रहती है <laughs> आप कितने बरस रहे पाकिस्तान में कहाँ कहाँ रहे क्या पढ़ाई हुई ज़रा वो बताइए करीब छः सात साल रहे और बेसिकली इस्लामा में थे पिताजी एम्बेसी में थे तो कब से कब की बात है ये है एटी एवन तक एटी वन सेवन तक आप इस्लामा में थे बहुत हाई सिक्योरिटी एरिया रहता होगा नहीं, नहीं, उस टाइम पर तो इतना नहीं था क्योंकि उस टाइम पे अफगान क्राइसिस चल रही थी तो पाकिस्तान वॉज डिस्ट्रैक्टेड विद गोइंग ऑन अफगानिस्तान पंजाब क्राइसिस जस्ट अबाउट स्टार्टिंग तो इंडियन डिप्लोमेट्स के लिए और इंडियन फैमिलीज के लिए ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था काफ़ी सामान्य कहाँ पर स्कूलिंग हुई वहाँ

फर्स्ट यू स्टार्ट लविंग योर कंट्री एंड सेकेंड यू लर्न टू फाइट अलोन ठीक है एंड 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 दैट्स एग्जैक्टली आई थिंक वॉट हैपन विद मी अगर एक क्रिकेट मैच हो रहा है फोर्टी नाइन लड़के एक तरफ है यहाँ पर एक तरफ हो ठीक है ना तो फिर आप में राष्ट्रवाद खुद ही पैदा हो जाता है ठीक है ना आप में अगेरे लड़ने की क्षमता भी खुद ही आ जाती है तो आदर एन डैट आई थिंक उसमें कोई ऐसी कोई अर्थशाइटरिंग एक्सपीरियंस नहीं है जिसके लिए दैट मच टू टॉक भी कॉन्शियस वहाँ पर जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है हाँ तो यू नो दैट्स अ सेपरेट मैटर ऑब्वियसली मुझे उस बात का एहसास तब नहीं था व्हेन आई वाज यंगर बट यू नो नाउ दैट आई हैव सीन द वर्ल्ड में दुनिया देखा है मतलब यू नो ओवर द इयर्स आई थिंक उन लोगों को एक बहुत डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ uh, रियलिटी दिखाई जाती है ठीक है ना ऑफ हु दे एंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम फॉर फॉर स्कूल बुक्स इन बुक स्कूल बुक्स फॉर एग्जाम्पल उनको यह बताया जाता है कि उनकी जो हिस्ट्री है वो सर नाइनटीन से शुरू हुई है उससे पहले वो हर चीज़ को इग्नोर करते हैं और उसको अगर थोड़ा बहुत पढ़ाते भी हैं तो इस लाइट में पढ़ाते हैं ऑफ़ मुस्लिम सुपीरियरिटी ओवर ओवर हिंदू हिंदू पॉपुलेशन ठीक है सो so, उनको एक रॉन्ग नोशन होता है कि उससे नाइनटीन से पहले वो हिंदुस्तान के हुक्मरान थे और अब 47 के बाद उन्होंने एक नई कंट्री बना ली अब उसके हुक्मरान हैं से पीछे जा नहीं पाते उससे पीछे जा ही नहीं पाते उनकी हिस्ट्री शुरू होती है मोहम्मद बिन और के के तो राजा पर उन्होंने हमला किया जब हाँ एग्जैक्टली exactly. और वहाँ से पाकिस्तान की हिस्ट्री शुरू होती है और उसको पाकिस्तान की हिस्ट्री मानते हैं सरप्राइजिंगली तो वो इंडस वैली में नहीं पढ़ते भी हाँ, वो सिर्फ हड़प्पा मोहन जोदालो के बारे में पढ़ते हैं और उसी को फिर वो उससे मोहम्मद बिन कासिम से जोड़ देते हैं ढाई हजार का जंप मार हाँ, देते दे पूरा, दे। पूरा जंप मार देते हैं उसमें बीच में कोई गुप्ता डायनेस्टी मौर्य डायनेस्टी उसके बारे में कुछ नहीं बात करते हो यू नो ठीक है उसमें उनका और, और हम साउथ जाएं चोलास वगैरह उनके बारे में तो उनका इंटरेस्ट भी नहीं है क्योंकि वो सिर्फ नर्दन इंडिया से और नर्दन वेस्ट इंडिया से रिलेटेड हैं तो उसको इतने ही रखते हैं तो